हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे हरा मसाले वाला कीमा मुंबई स्टाइल में। आइए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने पूरा एक कप भर के लिया है हरा धनिया, क्योंकि ये हरा मसाले में बन रहा है तो धनिया की क्वांटिटी जो आप है वो ज़्यादा रखेंगे। इसमें ऐड कर लेंगे ज़रा सा पुदीना, ये 2 से 3 टेबल स्पून जितना है। और 5 से 6 मैंने ली है हरी मिर्च, जिसको मैंने बीच में से तोड़ लिया है। आप अपनी टेस्ट के मुताबिक इसे बढ़ा या घटा भी सकते हैं। इन सबको हम पीस लेंगे। ज़रा सा पानी ऐड करूंगी और इसे पीस लूंगी मैं। ये हरा मसाला जो है हमने पीस लिया है। प्रेशर कुकर में मैंने 2 सर्विंग स्पून भर के लिया है ऑयल। अगर आप चाहें तो थोड़ा ऑयल की क्वांटिटी कम कर सकते हैं। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 3 छोटे साइज़ के तेज पत्ते। अगर आपके पास बड़े साइज़ के हों तो 2 ऐड कर लीजिए। साथ ही में इसमें ऐड कर लेंगे 3 मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज। प्याज को हमने बिल्कुल ही लाइट गोल्डन की तरफ लेकर आना है, ज़्यादा नहीं पकाना। सॉफ्ट से जैसे वो लाइट गोल्डन की तरफ होने लगे अगला स्टेप कर लेंगे हम। प्याज का जो कलर है वो स्लाइट गोल्डन की तरफ आने लगा है, इसमें हम ऐड कर लेंगे 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। 1/2 चम्मच चला जाएगा हल्दी पाउडर। मिक्स करके कम से कम इसे 1 मिनट तक भूनेंगे, जिसमें कि जिंजर गार्लिक की जो कच्ची स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। जिंजर गार्लिक पेस्ट को भी हमने बहुत अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें हमारा जो कीमा है ये ऐड कर लेंगे। 1/2 किलो मटन का कीमा लिया है मैंने। सॉल्ट चला जाएगा इसमें एज पर टेस्ट। इसे मिक्स करके इसे अच्छे से भूनेंगे। मीडियम से हाई फ्लेम पे रख के आप इसे जैसे ही भूनने लगेंगे 10 से 15 सेकंड में आप देखने लगेंगे कि जो कीमा है वो अपना पानी छोड़ना शुरू कर देगा। इस पानी को जो है हमने ड्राई कर लेना है। हमारे कीमे का जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब इसमें जो हरा मसाला था वो ऐड कर लेंगे। साथ ही में ऐड कर लेंगे पाउडर मसाले। 2 टेबल स्पून लिया है मैंने धनिया पाउडर, 1 टीस्पून है काले मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून है जीरा पाउडर, और यहाँ पे मैंने लिया है 1/4 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर, और 1/2 चम्मच मैंने लिया है जायफल और जावित्री का पाउडर। और हमारी मिक्सी में जो बचा हुआ हरा मसाला है इसमें भी मैं ज़रा सा पानी ऐड करके इसमें डाल दूँगी। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके सारे मसालों को भून लेंगे। सारे मसालों को हमने बहुत अच्छे से भुनना है, जिसमें कि उसकी सारी जो कच्ची स्मेल है वो ख़त्म हो जाए, किनारों से जो है वो तेल सरफेस पे आ जाए। आइए इसे अच्छे से भून लेते हैं। मसाले हमारे अच्छे से भुन चुके हैं, सारे किनारों से तेल भी सरफेस पे आ गया है। इसमें हम ऐड कर लेंगे 1/2 कप मटर। इसे मिक्स करते हुए अच्छे से भुनेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। मटर डाल के भी हमने इसे बहुत अच्छे से भून लिया। अब इसमें पानी ऐड कर लेंगे। इस ग्लास से मैंने पूरा 1 ग्लास पानी ऐड किया है। इसमें मिक्स करने के बाद इसे ढक्कन लगा के हम प्रेशर कुक कर लेंगे 3 से 4 विसल आने तक, जिसमें कि आपका जो कीमा है वो गल जाए। 4 विसल आने के बाद इसे ओपन करके चेक करेंगे। अगर गल चुका है तो अगला स्टेप देख लेंगे, अगर नहीं गला है तो और सीटी लगा लेंगे। आइए प्रेशर कुक कर लेते हैं। हमारा कीमा जो है वो 4 सीटियों में पूरी तरह से गल चुका है। मैंने अभी चेक किया। फ्लेम को दोबारा से ऑन कर लेंगे और इसमें ऐड करेंगे अराउंड 3 टेबल स्पून कसूरी मेथी। 1/2 कप चला जाएगा सुआ, यानी कि सोया के पत्ते, जिसे सेपू भी कहते हैं। पहले से ही धोकर के रखा हुआ था, बारीक काट लिया था मैंने। 1/2 चम्मच ऐड कर लेंगे गरम मसाला पाउडर। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने जो पानी ऐड किया था इसमें, उसमें से ज़रा सा पानी है, लेकिन थोड़े से पानी की और रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि ये जो कीमा है ये थोड़ा सा
पतली ग्रेवी होती है इसकी, हल्का सा ग्रेवी वाला होता है क्योंकि इसे हमने ब्रेड या पाव के साथ में खाना है। तो मैं ज़रा सा पानी और ऐड कर रही हूँ इसमें, एक चौथाई ग्लास जितना है। मिक्स करके इसे ढकेंगे और लो फ्लेम पे इसे पकने देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। सिर्फ ढकना है इसे आपको, प्रेशर कुक नहीं करना। देखिए विसल मैंने निकाल ली है और लिड भी जो है वो लॉक नहीं किया है, अनलॉक ही है। सिर्फ ढका है मैंने इसे 5 से 7 मिनट के लिए और उसके बाद इसे डिश आउट कर लेंगे। रेडी है हमारा हरा मसाला कीमा, बिल्कुल मुंबई स्टाइल में। इसे ज़रूर ट्राई करिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।